आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बीते 10 सालों में भारत में ही केवल 37 लाख बच्चों ने अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में पढ़ाई की है। और बात करें अगर गलगोटिया विश्वविद्यालय की तो लगभग 7% बच्चे दूसरे स्टेट से गलगोटिया में आते हैं, वहीं 10% अब्रॉड के स्टूडेंट हैं जो कि विदेशों से भारत में गलगोटिया में पढ़ने आते हैं और बचे हुए बच्चे यहाँ के लोकल हैं। इस माइग्रेशन से होने वाले तमाम प्रकार के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे में ये आता है कि बच्चों के इंट्रैक्शन लेवल में इजाफा होता है, वहीं नुकसान की उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में पढ़ाई करना पड़ता है। Hey, what's up everybody? Today, this is Manjeet Verma with cameraman Aditi Bhardwaj और आज हम जा रहे हैं वॉक्स पॉप रिकॉर्ड करने के लिए, जिसका टॉपिक होने वाला है कि जो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनका टेन्योर कैसा रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है और वो किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी क्या एक्सपीरियंस कैरी किया है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस टू वॉच द एंटायर वीडियो। थैंक यू। नाम मंजीत किशोर वर्मा है और वो से गुड नेम उत्कर्ष मिश्रा। व्हाट्स योर नेम? वैभव। हाय कृतिका। सो आप सब कौन से सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट। सब सारे फर्स्ट सेम से? और कौन से डिपार्टमेंट? बीबीए। बीबीए में स्पेशलाइजेशन है? जनरल। ओके, सो कितने महीने कॉलेज हो गया? दो महीने। तो आप लोग सब एक ही सेक्शन से? ओके, दो महीने कॉलेज हो गया। तो दो महीने में क्या एक्सपेक्टेशन आप शुरू में लेकर आए थे? स्टार्ट एकदम बिगिनिंग यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेशन कोई है नहीं। क्यों नहीं है? लाइक उसमें यही होता है कि जो आपको करना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो आपको करना वो कर सकते हैं। आप अटेंडेंस लगवानी लगवाई नहीं लगवानी मत लगवाओ उसके हिसाब से। बट यहाँ पे स्टेटनेस है अटेंडेंस के लिए, आपने यार 25% डिपार्ट लगा दिया है। डिपार्ट लग रही है किसी की? आपकी सीनियर्स की लगी? डिपार्ट लगी सीनियर्स की लग रही है। तो फिर गलगोटिया ही क्यों चूज़ किया आप लोगों ने? मतलब आप कह रहे हो कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर गलगोटिया ही क्यों? कोई और भी तो हो सकता था। और हो सकता था, लेकिन जब देखा कि हाँ ठीक है प्लेसमेंट सही आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट की यूनिवर्सिटी सही है, प्लेसमेंट बढ़िया है और फैकल्टीज आपको अच्छे नहीं लगे? हाँ, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। क्यों, क्या हो गया मैनेजमेंट में, ऐसा क्या रिस्पॉन्स आया? जनरली ख़राब है, अब अंदर की बात है। फैकल्टी बहुत सही है, हम लोग की मैनेजमेंट वो सही से हो जाएंगे सही टाइम के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग जानते नहीं। मे बी हो जाए जाने में से सही। तो मतलब आप किसे यहीं के लोकल हो या फिर आप बाहर से आते हो? गोरखपुर से। आप अलीगढ़? आप पटना से? हुआ होती है एक बिहारी हैं आप। सो थैंक यू, दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो हाय, मेरा नाम मंजीत किशोर वर्मा है और मैं जर्नलिज्म से सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, आप तीनों क्या क्या नाम है? अमन से। कहाँ से आते हो आप? झारखंड। साहिबगंज से? अरे वाह, बिहार मुंगेर। ओके, काफ़ी तालमेल है। तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर कॉलेज आए? तुम्हें कॉलेज दो महीने में पसंद नहीं आया? कौन से डिपार्टमेंट से? बीबीए से। आप तो अब तीनों बीबीए से ही हो? ओके, बीएफएसआई बीबीए से तीनों। और आपका क्या एक्सपीरियंस है कॉलेज? मॉडरेट। फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, कैसा लगता है? रफ्तार आने वाली है। सो आज ही है फ्रेशर्स पार्टी? ओके, सो ये एक्सपीरियंस है। फैकल्टीज आपको अच्छी नहीं लगी? मॉडरेट सा, मतलब कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कॉलेज के बारे में सबसे अच्छी और बुरी चीज़ क्या लगती है? आपका बुरा क्या एक्सपीरियंस था? तो ये थे हमारे कॉलेज के जूनियर्स जिनके साथ हमने जाना कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनकी आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आगे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए युवा जंक्शन।